हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैग रिपोर्ट में शिवराज सिंह की खुली पोल, 15 साल में भाजपा ने करोड़ों का किया घोटाला। मध्य प्रदेश में सरकार बदलते ही भाजपा ने 15 साल में जो घोटाला किया उनका अब खुलासा हो रहा है। कैग की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शिवराज सरकार के समय करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। ये घोटाला वाणिज्यिक कर, वाहन कर, स्टॉम्प पंजीकरण, खनन जल उत्पादक शुल्क में हुआ। इन सभी विभागों में सरकार खजाने से 6,270.37 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के कार्यकाल में प्रदेश की पेंच परियोजना में करीब 376 करोड़ की अनियमितता सामने आई है और सामाजिक उपक्रमों में 1,224 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं जनजाति के लिए विद्यालय छात्रावास के संचालन में 1,047.44 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बाहर करते हुए भारी मात्रा में वोट पाकर सत्ता पर काबिज हुए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।